फ्रेंड्स, भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सामाजिक संस्कारों का आधार है। हमारे यहां कहा गया है, क्षत्रम यत धर्म, यानी लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉ इज सुप्रीम। हजारों वर्षों से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह है कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर अघात आस्था है। साथियों, हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी। फैसले से पहले अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, 130 करोड़ भारतवासियों ने न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों को पूरी सहमति के साथ स्वीकार किया। हजारों वर्षों से भारत न्याय के प्रति आस्था के इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यही हमारे संविधान की भी प्रेरणा बना है। पिछले वर्ष ही हमारे संविधान को 70 वर्ष पूरे हुए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज ए स्पिरिट ऑफ एज। इसी भावना को हमारे देश की अदालतों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने समय में आगे बढ़ाया है। इसी स्पिरिट को हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जीवंत रखा है। एक दूसरे की मर्यादाओं को समझते हुए तमाम चुनौतियों के बीच कई बार देश के लिए संविधान के तीनों पिलर्स ने उचित रास्ता ढूंढा है। और हमें गर्व है कि भारत में इस तरह की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई है। बीते 5 वर्षों में भारत की अलग अलग संस्थाओं ने इस परंपरा को और सशक्त किया है। देश में ऐसे करीब 1500 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है जिनकी आज के दौर में प्रासंगिकता समाप्त हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून समाप्त करने में तेजी दिखाई गई है, समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी उतनी ही तेजी से बनाए गए हैं। ट्रांसजेंडर पर्संस के अधिकारों से जुड़ा कानून हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, या फिर दिव्यांग जनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से काम किया है।